गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका दोस्त आसिफ आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल को सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, लोग अच्छे काम की वैल्यू कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपका। हम आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं एक बार फिर से अंग्रेजी के 2000 शब्दों की। आज चैप्टर 14 में पढ़ाने जा रहा हूं। आज की जो वोकैबुलरी है, जो वर्ड है बच्चों, वो पॉलिटिक्स से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है, क्योंकि राजनीति एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हमें अक्सर अपने विचार व्यक्त करने पड़ते हैं। हमें अखबार में ये शब्द मिलेंगे, हमें इंग्लिश न्यूज में ये शब्द मिलेंगे, तो मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स इन शब्दों से भली भांति परिचित हो जाएं। इसमें लगता है 2 चैप्टर लगेंगे, बहुत शब्द है। अभी मैं इंपॉर्टेंट शब्द ही दूंगा और उसके बाद फिर लेटर ऑन हम और देखेंगे, लेकिन पहले महत्वपूर्ण शब्द। कुछ शब्द मैंने लिखे नहीं है इसमें, जैसे पार्लियामेंट, सब लोग जानते हैं बेटा पार्लियामेंट माने संसद, और पार्लियामेंट बिल्डिंग का मतलब होता है संसद भवन, जो दिल्ली में है, जहां से पूरे देश को चलाया जाता है, जहां पर हमारी सरकार बैठती है, उसको कहते हैं पार्लियामेंट। और इसके पहले हमेशा द लगता है, याद रखना, आर्टिकल लगता है द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं, 2 हाउसेस होते हैं, सदन को हाउसेस कहते हैं, HOUSES, और इसको इंग्लिश में भी द लोकसभा और द राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा, द लोकसभा, एलओ के लोकसभा, और द राज्यसभा, तो द लोकसभा और द राज्यसभा 2 हाउसेस हैं हमारे पार्लियामेंट के। ओके, इलेक्शन माने सब बच्चे जानते हैं चुनाव। एमपी, एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिंदी में कहते हैं सांसद, सांसद जो दिल्ली में बैठते हैं, लीडर्स वे एमपी हैं जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और एमएलए, इसका मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव, उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, LEGISLATIVE, लेजिस्लेटिव। देखो लेजिस्लेट जो शब्द है ये कानून से संबंधित है, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है विधि, विधि माने लॉ, कानून, कानून से संबंधित। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे सांसद और हमारे विधायक इस देश के कानून को बदलने की क्षमता रखते हैं, और किसी भी बॉडी के पास ये ताकत नहीं है, लेकिन हमारे सांसद और हमारे विधायक, इसीलिए इनका नाम है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बहुत से स्टूडेंट्स हो सकता है इससे अनभिज्ञ हो, इसलिए मैंने सोचा मेरा कर्तव्य है कि मैं एमपी का फुल फॉर्म और एमएलए का फुल फॉर्म आपको बताऊं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 170 तक के मैं बता चुका हूं बच्चों शब्द, और 171 पे शब्द लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखो इसका उच्चारण में थोड़ा सा वो है, अगर आप डिक्शनरी देखेंगे तो ये लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी, लेकिन जब बोला जाता है तो ज्यादातर इसको चा से बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी ज्यादा बोला जाता है। इसका मतलब होता है चुनाव क्षेत्र, जैसे वाक्य के हिसाब से वो विधायक अपने चुनाव क्षेत्र में रेगुलरली आते हैं, दैट एमएलए विजिट्स। बच्चों विजिट का मतलब होता है दौरा करना, आना, फॉर्मली मतलब औपचारिक रूप से, दैट एमएलए विजिट्स हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी रेगुलरली, रेगुलरली, REGULARLY, रेगुलरली का मतलब नियमित रूप से। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स्टिट्यूएंसी इसका प्लूरल हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंसीज। 172 पे बहुत बड़ा शब्द और बहुत अच्छा शब्द लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, इसको क्या बोलेंगे, टा से बोलना बच्चों, है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन माने संविधान, और भारत का संविधान अगर आपको कहना है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की जानकारी होनी चाहिए। मान लो आप ये कहना चाहते हैं, आप ऐसे कहें वी मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, वी मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं, अपोजिशन पार्टीज यानी विपक्षी पार्टियां, विपक्षी, अपोजिशन माने विपक्षी, पार्टीज माने पार्टियां। इसको आप सिंगल ऐसे विपक्ष ने, अक्सर मीडिया कहता है विपक्ष ने ये मांग की है, तो विपक्ष का मतलब आप सीधे अपोजिशन भी कह सकते हैं, अपोजिशन।
जैसे एक वाक्य बता रहा हूं, विपक्ष ने निष्पक्ष जांच की मांग की है, तो ऐसे कहेंगे द अपो, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, देखो टेंस जरूर वीडियो देखना भाई है, द अपोजिशन हैज डिमांडेड अ फेयर इंक्वायरी, FAIR फेयर माने निष्पक्ष, इंक्वायरी माने जांच, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, छह गोल्डन टेंस सीखो ठीक है, द अपोजिशन हैज डिमांडेड द फेयर इंक्वायरी, तो बन गया विपक्ष ने, हम अप द अपोजिशन पार्टीज भी कह सकते हैं, विपक्ष एक सत्ता पक्ष होता है एक विपक्ष होता है ठीक है। आगे बढ़ते हैं पावर, अक्सर मैं देखता हूं बच्चे सत्ता की इंग्लिश बोलते हैं, सत्ता, सत्ता में वो पार्टी है, वहां पे सत्ता में वो पार्टी है, बेटा सत्ता बहुत आसान शब्द ही है, इसका मतलब होता है पावर, पावर माने सत्ता, जैसे किसी से पूछना हो भाई उस राज्य में इस समय कौन सी पार्टी सत्ता में है, तो आप पूछेंगे इन दैट स्टेट विच पार्टी इज इन द पावर, इन दैट स्टेट विच पार्टी इज इन द पावर, इसका मतलब हुआ उस राज्य में कौन सी पार्टी सत्ता में है, तो पावर माने सत्ता, द रूलिंग पार्टी, सत्ता पक्ष, हिंदी अखबारों का रोज का शब्द है सत्ता पक्ष, बेटा इंग्लिश होती है द रूलिंग पार्टी माने सत्ता पक्ष, जैसे कहना हो कि सत्ता पक्ष ने इन आरोपों का खंडन किया है, खंडन करने को बेटा मतलब होता है किसी चीज का कहना यह गलत है, इसके लिए इंग्लिश का वर्ड है कंट्राडिक्ट, CONTRADICT, कंट्राडिक्ट, कंट्राडिक्ट माने खंडन, अब मेरा वाक्य था सत्ता पक्ष ने इन आरोपों का खंडन किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, छठवां वाला गोल्डन टेंस, द रूलिंग पार्टी हैज कंट्राडिक्टेड दिस एक्यूजेशन, आरोप को कहते हैं एक्यूजेशन, ACCUSATION, द रूलिंग पार्टी हैज कंट्राडिक्टेड दिस एक्यूजेशन, ओके, तो रूलिंग पार्टी मतलब हो गया सत्ता पक्ष। गवर्न बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है मेरे भाइयों और मेरी बहनों, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, गवर्न का मतलब बच्चों होता है शासन करना, शासन करना, और यही मतलब रूल का भी होता RULE, शासन करना, और रूल नाउन भी है यानी कि शासन, ठीक है, शासन, गवर्न का मतलब शासन करना और रूल का मतलब भी शासन करना और रूल का मतलब शासन, जैसे इस पार्टी ने इस राज्य में 3 वर्ष शासन किया तो हम कहेंगे दिस पार्टी गवर्न्ड, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दिस पार्टी गवर्न्ड दिस स्टेट फॉर 3 इयर्स, ठीक है, ऐसे कहेंगे, आप गवर्न की जगह रूल्ड भी लगा सकते हैं, दिस पार्टी रूल्ड, रूल के 3 फॉर्म क्या होंगे, रूल, रूल्ड, रूल्ड, गवर्न के गवर्न, गवर्न्ड, गवर्न्ड, ज्यादातर वर्ब्स रेगुलर वर्ब्स होती हैं, ईडी लगाओगे सेकंड फॉर्म मिलेगा, ईडी लगाओगे थर्ड फॉर्म मिलेगा, तो ये हो गया रूल जो है शासन, जैसे उस पार्टी के शासन में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी थी, इन दैट पार्टीज रूल द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, बहुत अच्छा शब्द है, कलम उठा लो लिख लो, लॉ LAW, लॉ एंड ऑर्डर ORDER, और सिचुएशन SITUATION, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मतलब कानून और व्यवस्था की स्थिति, तो अगर कहना हो उस पार्टी के शासन में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी थी, इन दैट पार्टीज रूल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वॉज वेरी गुड, एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली मानी भी होता है बहुत ज्यादा अत्यधिक, ओके, तो चलो ऐसा करते हैं कि इसके आगे के जो शब्द हैं वो अगले वीडियो में मैं समझाता हूं, क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा बोर हो जाओगे, ठीक है, अपनी बात को यहीं पर रोक रहा हूं, और मैं एक बार भरपूर हृदय से आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आप लोग मेरे काम को सराह रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, बेटा इसी तरह से लाइक करते रहिएगा, बढ़िया बढ़िया कमेंट दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि लंबे समय तक ईश्वर ने चाहा हमारा आपका साथ रहेगा और हम दोनों एक दूसरे की प्रोग्रेस में योगदान देंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट।